नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले नए मकान एवं कॉलोनियों को भी अब टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी है। इसके लिए गुरुवार को निगम आयुक्त इक्षित गढ़पाले के आदेश पर टीम भी गठित की जा चुकी है। टीम में वार्ड मुहर्रर, वार्ड प्रभारी और राजस्व अधिकारी शामिल होंगे, जो अपने अपने तय वार्डों का निरीक्षण करेंगे। वार्ड में कितने मकानों ने अपने ढांचों में परिवर्तन किया है, कितने मकानों ने अतिरिक्त निर्माण किया है, इन सब का भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सर्वे के बाद राजस्व संपत्ति कर रजिस्टर में सत्यापन दर्ज करने के बाद संपत्ति कर डिमांड में दर्ज करके बिल भी जारी किया जाएगा। खासतौर पर ऐसे कॉलोनाइजर्स को भी शामिल किया जाएगा जिनके बनाए गए भवन पूर्ण हो चुके हैं, जिनका आवंटन किया जा चुका है, उन्हें भवन स्वामी के नाम से दर्ज कर डिमांड बिल जारी किया जाएगा। यदि आवंटन नहीं हुआ है तो कॉलोनाइजर को टैक्स चुकाना होगा। बहरहाल, निगम सूत्रों की माने तो निगम की इस कार्रवाई से करीब 1 करोड़ के राजस्व का फायदा होगा। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सौसर अस्पताल में शासकीय कर्मचारी मृतक के परिवार से पोस्टमार्टम के एवज में अवैध वसूली करते दिखे। मामला लोधीखेड़ा का है, जहां इरफान बैग की बच्चे को बचाने के चक्कर में गंभीर चोटें आईं और गंभीर रूप से घायल इरफान को लोधीखेड़ा अस्पताल में बुनियादी सुविधा न होने के कारण उसे तत्काल एम्बुलेंस से सौसर अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया। इरफान की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट किया गया। पोस्टमार्टम वर्कर द्वारा पोस्टमार्टम के बाद काम के एवज में पीड़ित परिवार से काम के बदले जबरन पैसे की मांग की, जिसे पीड़ित परिवार ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। शासकीय कर्मचारी पीड़ित परिवार की तीखी नोकझोंक हुई, जिसकी शिकायत सौसर SDM से करने की बात कही गई। तो क्या ड्यूटी टाइम नहीं है आपका? ड्यूटी टाइम नहीं आपका? पैसा मिल रहा है ना, पेमेंट मिल रहा है ना? अरे आपकी आपके जेब से कुछ नहीं लग रहा है। कितने पैसे होना आपको? कितने पैसे लग रहे हैं? चल पैसे की बात नहीं है। खर्च पानी क्या होना आपको? क्या होना आपको खर्च पानी? अपने दो जने काम किए ना। क्या काम? हाँ, कम से कम 200-400 रुपए तो होने ना आपको। 200-400 रुपए होना खर्च पानी का। लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बसपा के गानेश्वर गजबिये ने गुरुवार को गाजेबाजे के साथ नामांकन भरा। पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ गजबिये पोला ग्राउंड, फव्वारा चौक, जेल तिराहा, सत्कार चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन भरा। उन्होंने बताया कि उनके चुनाव के मुख्य बिंदु रोजगार के अवसर ही रहेंगे। जिले में लगाई गई बंद फैक्ट्रियों को चालू कराना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। जबकि विधानसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा के लिए राष्ट्रीय आमजन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव MP विश्वकर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि MP विश्वकर्मा आगामी 6 अप्रैल को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं अगर सांसद बनता हूँ छिंदवाड़ा जिले का 40,000 जो है लड़कों बेरोजगार लोगों को मैं रोजगार दूंगा। WCL है, रेमंड है, भंसारी है, बजाज है, ऐसी कई फैक्ट्रियाँ हैं बंद पड़ी हुई है, इसको चालू करूंगा। क्योंकि दावे के साथ और भरोसे के साथ बोलता हूँ कि देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती बने, दबे कुचले समाज की नेता है और दबे कुचले समाज के लिए वो चुनाव की मदद करेगी। देहात थाने के ग्राम मारे निवासी एक बुजुर्ग महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि जंगली सुअर ने महिला पर उस समय हमला किया जब 65 वर्षीय महिला श्यामाबाई अपने खेत में बालियां बीनने गई थी। महिला के चीखने चिल्लाने पर जंगली सुअर जंगल की तरफ भाग निकला। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी कार्यालयों में बिल पास कराने के लिए कमीशन का खेल चल रहा है, तो वहीं आम नागरिक को छोटे से छोटा काम के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को जागर हुआ है, जिसमें बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता की शिकायत पर MPB कुंडाली कला के कनिष्ठ यंत्री और कंप्यूटर ऑपरेटर को लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त 150 युवाओं को प्रमाण पत्र बांटे गए। इन्होंने BPO इलेक्ट्रीशियन एवं सिलाई मशीन का प्रशिक्षण वर्ष 2018 में मई जून जुलाई में प्राप्त किया था। इनमें से आधा सैकड़ा से अधिक युवा शहर के बाहर रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं। सैनिक पेंशन एवं समाज कल्याण विभाग के भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में निगम सहायक आयुक्त RS बाथम, मिशन मैनेजर उमेश प्यासी, फाउंडेशन प्रिंसिपल मिथुल पालीवाल सहित काफी संख्या में युवा और कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जहां निगम अधिकारियों ने स्वीप अभियान के तहत वोट डालने के अभियान का प्रमोशन किया। वहीं NULM के तहत रोजगार प्राप्त कर रहे युवाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। 25 किलोवाट की बिजली अब कृषि उपज मंडी कुसमैली में ही बनेगी, जिसके लिए मंडी प्रांगण की दुकानों की छत पर सोलर पैनल लगना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि कृषि उपज मंडी कुसमैली में ऊर्जा विकास निगम के द्वारा सोलर पैनल लगाया जा रहा है, जिससे मंडी को तो रोशन किया ही जाएगा, साथ ही बची हुई बिजली को बिजली विभाग उपयोग करेगा। मंडी में सोलर पैनल लगाने की लागत करीब 16 लाख रुपए आएगी, जो मंडी के 1 साल के बिजली बिल से भी कम है।
आपको बता दें कि हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल मंडी को भुगतान करना पड़ता है, जो करीब साल भर में 18 लाख रुपए तक हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।